हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू एंड टू एंड एनएलपी बेस्ड मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। आप जो है इस प्रोजेक्ट को अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए, मेजर प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने किसी ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। आप सोर्स कोड के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और पिंड कमेंट में डाल दी है। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड आई कैन हेल्प यू विद द कोड। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। एज यूजुअल सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा, बेसिकली एक आइडिया दूंगा कि ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट करता क्या है। उसके बाद जो है मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगा। डेमो करने के बाद जो है मैं आपको इसका आर्किटेक्चर बताऊंगा कि बेसिकली ये कैसे डिजाइंड है, इसका आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है कि ये कम्प्लीटली एनएलपी बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसमें बेसिकली जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज ए वेब ऐप करंटली और इसका नाम है, इस वेब ऐप का नाम है विजुअल अल्फाबेट। सो इसको जो है विजुअल और अल्फाबेट को मर्ज करके विजुअल अल्फाबेट बना दिया गया है। सो बेसिकली इस ऐप का ऐसा नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो है इस ऐप में विजुअल भी है, यानी कि हम टेक्स्ट टू इमेज करेंगे और इमेज टू टेक्स्ट भी करेंगे। सो वाइस वर्सा है, बेसिकली इसमें टेक्स्ट और इमेज दोनों का काम है। सो इसमें बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट है जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक है टेक्स्ट टू इमेज, दूसरा है इमेज टू टेक्स्ट। तो पहले बात करते हैं टेक्स्ट टू इमेज की। टेक्स्ट टू इमेज में बेसिकली आप क्या है कि आप कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट देंगे और जैसे ही आप जनरेट इमेज पे क्लिक करेंगे, आप बैकएंड पे कॉल जाएगी और आपके जो बैकएंड में एक जो स्टेबल डिफ्यूजन का नोडल होस्टेड है वो आपके लिए एक इमेज जनरेट करके देगा और आप फिर यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। इमेज टू टेक्स्ट, बेसिकली इमेज टू टेक्स्ट में क्या होगा कि आप एक इमेज देंगे, इमेज देने के बाद जो है उस इमेज को वर्ड्स में डिस्क्राइब करेगा। सो बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ कैप्शनिंग योर इमेज। ओके, तो चलिए ये तो हुआ इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब चलते हैं डेमो की तरफ। डेमो करते हैं, सबसे पहले मैं पहले जो है इमेज टू टेक्स्ट का डेमो करके दिखाता हूँ आपको। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको यहाँ पे फाइल चूज करनी है, जिस भी बेसिकली इमेज को आप कैप्शन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे आप, मैंने यहाँ पे एक सैम्पल इमेज यहाँ पे इसको दे दी है, यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ गया और जैसे ही मैं कैप्शन इट पे क्लिक करूंगा तो इस इमेज को ये वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कैप्शन इट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे अब इसका जो है डिस्क्रिप्शन आ जाना चाहिए। सो इट इज टेकिंग फ्यू टाइम। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसने दिया है कि व्हाइट कैट सिटिंग ऑन ऑन द टॉप ऑफ अ टेबल। उसके बाद में जब आपको एक और जो है दूसरा जो है बेसिकली एक और जो है इमेज आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक और इसको इमेज दी है। इस इमेज में बेसिकली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इमेज दी है। इमेज देने के बाद जैसे ही मैं कैप्शन इट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इस इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए इसकी जो है उस वर्डिंग आ जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ ए लश ग्रीन फील्ड, जो कि बहुत ही एप्ट इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। मैं आपको एक और जो है एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसमें तीसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक इमेज मैंने इसको दी है। इस इमेज में बेसिकली क्या है कि आपके एक मैन है, टू वुमेन है और मैं ये इसको कैप्शन करने के लिए बोलता हूँ। सो लेट्स सी कि ये आपको क्या लिख के देता है। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, ए मैन एंड ए वुमेन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, विच इज करेक्ट। इसने जो है पर्टिकुलरली ये डिफाइन नहीं किया है कि इसमें टू वुमेन है और वन मैन है, बट इट इज ऑलमोस्ट करेक्ट। आई विल से 90 to 95% इट इज करेक्ट। उसके बाद जो है एक ये वाला और चेक कर लेते हैं। जैसे कि अब ये जो मैं आपको एक और न्यू आपको जो है यहाँ पे दिखाता हूँ और उसके बाद कैप्शन एड करते हैं। कैप्शन एड करने के बाद यहाँ पे जो है इसका, यहाँ पे जो है इसने करेक्ट ऑप्शन दिया, करेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया है इस इमेज का, अ व्हाइट कैट सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ टेबल। सो आप देख पा रहे हैं व्हाइट कैट है और किसी टेबल या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो दैट व्हाइट कैट इज सिटिंग। सो ये तो है इमेज टू टेक्स्ट का पार्ट। मोस्ट ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% इमेजेस का ये करेक्ट कैप्शनिंग करता है। बहुत ही रेयर रेयर चांसेस हो सकते हैं कि जब आपकी जो है रेलेवेंट कैप्शनिंग ना करेगी। उसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट टू इमेज के ऊपर। टेक्स्ट
टेक्स्ट टू इमेज जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें आप बेसिकली आप क्या है, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि आप किस टाइप की इमेज जो है जनरेट करना चाह रहे हैं, वो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दीजिए और ये आपके लिए वैसी ही इमेज जनरेट करके दे देगा। जैसे कि मैं इसको एक एक रैंडम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देता हूँ, एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, तो मैं इसको देता हूँ एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस और जनरेट इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसमें क्या है कि टेक्स्ट टू इमेज में जो है थोड़ी हैवी कंप्यूटेशन होती है बेसिकली, क्योंकि आप सिर्फ टेक्स्ट दे रहे हो और मॉडल बैकग्राउंड में टेक्स्ट से उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग एम्बेडिंग बेसिकली एम्बेडिंग्स निकालता है, फिर उन एम्बेडिंग्स के अकॉर्डिंगली जो है इमेज को बनाता है, इमेज को बनाने के बाद फिर रिटर्न करता है। इस चीज के लिए आपकी मशीन बहुत ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। अगर जीपीयू अनेबल्ड है आपकी मशीन तो वेल एंड गुड है, अगर सिर्फ सीपीयू अनेबल्ड है तो इसमें आपकी मशीन की पावर के अकॉर्डिंग यानी कि कितनी पावरफुल आपकी मशीन है उतना टाइम लग सकता है। मेरी मशीन के ऊपर रफली 20 to 25 मिनट्स लगते हैं एक इमेज जनरेट करने में। एंड अगेन ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट यानी कि यहाँ पे टेक्स्ट दे रहे हैं, जितना आप कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट देंगे उतना ही ज्यादा टाइम मॉडल आपका ले सकता है। तो जब तक कि ये इमेज जनरेट करता है तब तक लेट्स टेक अ पॉज एंड वंस इट जनरेट द इमेज देन वी विल कम बैक। ऑलराइट गाइस, अभी आप देख सकते हो जैसे मैंने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया था एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, इसने इमेज मुझे जनरेट करके दे दिए। जैसे आप देख पा रहे हैं एक कोई पर्सन है एस्ट्रोनॉट के पूरे सूट में है और वो स्पेस में लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा और करेक्ट इसने इमेज जनरेट करी है। मैं आपको एक और इसका सैंपल करके दिखाता हूँ डेमो के लिए, ठीक है? और तो डेमो के लिए जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एक और जो डेमो के लिए मैंने इसको दिया, फ्यू पीपल आर प्लेइंग होली, सो लेट्स से फ्यू पीपल आर प्लेइंग होली, मतलब होली एक जैसे आप सभी को पता है कि इंडियन फेस्टिवल है, कलर का फेस्टिवल है। मैं इसको ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देता हूँ और लेट्स सी कि ये कैसी इमेज जनरेट करता है। ऑलराइट गाइस, सो इस वाले टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के लिए फ्यू पीपल आर प्लेइंग होली इमेज जनरेट हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट इमेज जनरेट किए हमने इस मॉडल ने, और यू कैन सी कि यहाँ पे फ्यू पीपल आर प्लेइंग होली विच इज वेरी वेरी करेक्ट एंड अप टू द आस्ट प्रॉम्प्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर के बारे में जो है हम बात करते हैं। मैं आपको जल्दी से इसके आर्किटेक्चर का एक वॉक थ्रू करवा देता हूँ कि बेसिकली चीजें कैसे काम कर रही हैं, कैसे हो रहा है। तो मैं ऊपर से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ ब्राउजर्स के आइकन बने हुए हैं, दैट मीन्स कि दिस अपर रेक्टेंगल इज योर फ्रंट एंड, इज रिप्रेजेंटिंग योर फ्रंट एंड जो कि आपका HTML, JavaScript और CSS और जो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ बना हुआ है। एंड दिस फ्रंट एंड रन्स ऑन एनी ऑफ दिस ब्राउजर, सो यहाँ पे इसलिए ब्राउजर्स का एक आइकन डाला हुआ है। उसके बाद जो है आप नीचे देख पा रहे हैं देर इज वन मोर रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि बैकएंड है, और जो कि पूरा बैकएंड जो है फ्लास्क में फ्लास्क के थ्रू काम कर रहा है, फ्लास्क में डिप्लॉयड है। सो बेसिकली और इसमें बेसिकली क्या है कि आपके दो डिफरेंट मॉडल है, वन मॉडल इज योर स्टेबल डिफ्यूजन टू, और ये जो स्टेबल डिफ्यूजन टू वाला मॉडल जो है, ये वाला मॉडल जो है आपका टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करके देता है, और दूसरा वाला मॉडल है GPT-2 इमेज कैप्शनिंग। दूसरा मॉडल आपका ये वाला है, ये वाला मॉडल आपका क्या करता है कि जो आप इमेज देंगे उसके लिए आपका बेसिकली आपका जो इमेज देंगे इमेज के लिए आपका जो है कैप्शन या उसका डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट के फॉर्म में जनरेट कर देगा। तो और ये फ्रंट एंड और बैक एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है REST APIs के थ्रू। बेसिकली अगर मैं फ्लो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो जैसे फ्रंट एंड से बेसिकली जैसे ही यूजर इनपुट देता है तो API के थ्रू वो बैक एंड के पास जाता है, बैक एंड में फिर आपका मॉडल होस्टेड होता है, फिर वो मॉडल के पास जाता है, मॉडल फिर उसकी इंटरनल प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद एक रिस्पॉन्स उसका जो भी एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, और फिर वो वाला रिस्पॉन्स जो है REST API के रिस्पॉन्स के थ्रू जो आपके फ्रंट एंड पे जो है पहुंच जाता है। सो दिस इज बेसिकली मेजरली हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर। ओके गाइस, सो आफ्टर कंप्लीटिंग अवर आर्किटेक्चर अभी इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अलावा भी मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं
डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, लेकिन सारे ही प्रोजेक्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, AI, ML, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उन सब की डिटेल जो है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप उनके लिए भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड आई कैन हेल्प यू विद द कोड. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑन AIML एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू AIML. एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर.